एज के इस जमाने में मानो ये पूरा ग्लोब ही एक फैमिली जैसा बन गया है। आज आप जहाँ चाहे, जिससे चाहे और जब चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी ने हमारी लाइफ बिल्कुल बदल दी है। आज ये सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स ही नहीं बल्कि नेटवर्किंग और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं। लेकिन जरा गौर से सोचिए, अगर आप अपने फेसबुक या इंस्टा फ्रेंड्स की लिस्ट देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। आपके सुख दुख में उनकी कोई मौजूदगी नहीं होती। जब आप अपने फ्रेंड्स को याद करती हैं, तो शायद ही उनमें से कोई आपको याद आएगा। यही है आज की डिजिटल एज का कड़वा सच, जहां हर कोई आपका दोस्त है लेकिन अंदर से आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका कोई दोस्त नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो पर हम इसी इशू को और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि दूसरों के लाइफ इवेंट्स देखकर आप कई बार डिप्रेस फील करते हैं, और ये एक फैक्ट है। साइकोलॉजिकली दूसरों की लाइफ को क्लोजली देखने पर हम अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करते हैं, और इन्हीं सब के चलते हम खुद को औरों से कम समझने लगते हैं, लोनली फील करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे हमें छोड़कर सबकी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो महज वर्चुअल रियलिटी है, और हर एक के हैप्पी फेस के पीछे बहुत से स्कार्स भी जरूर छुपे होते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई वही दिखाता है जो दिखाना वो चाहते हैं, यानी कि अपनी हैपनिंग लाइफ, लेकिन उसके आगे के पेन, सफरिंग्स और ट्रबल्स ये कोई नहीं दिखाता। बस उन्हीं कुछ मोमेंट्स को देखकर आप अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और अपनी मेंटल पीस गवा देते हैं। इस डिजिटल एज की दुनिया में कहने को तो हम लाखों लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन जब रात में सोने जाए तो ऐसा ही लगता है कि हम शायद बिल्कुल अकेले हैं। और यही वो एक थॉट है जिसे हमें ओवरकम करना है। दूसरों से कनेक्ट करने के कॉम्पिटिशन में हम खुद से ही कनेक्ट होना भूल जाते हैं। हमें अपनी इनर सेल्फ की पावर को कभी जानने का मौका ही नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से हम अकेला फील करते हैं। अगर आप अपने ग्रैंडफादर्स की जेनरेशन के लोगों को देखें तो वो आज भी हमसे कहीं ज्यादा फिट हैं। वहीं हमारे एज में मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी से लेकर लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी बहुत ही कॉमन हो गए हैं। इन सब का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। गैजेट्स ने हमारी लाइफ जरूर इजी बनाई है, मगर इन्हीं गैजेट्स ने हमें इनका स्लेव भी बना दिया है। तो कैसे किया जाए एक सही बैलेंस? क्या है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? कैसे हम रह सकते हैं मेंटली एक्टिव और फिजिकली फिट आज की इस डिजिटल एज में भी? होल्ड ऑन फ्रेंड्स, आपके इन सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो मेरी तरह आपको भी पढ़नी चाहिए रीडिजाइन योर लाइफ इन मॉडर्न एज बाय बलविंदर कुमार। सर पहले भी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर बुक्स लिख चुके हैं जैसे मैन स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग द थिंकिंग माइंड। उनकी बुक रीडिजाइन योर लाइफ इन मॉडर्न एज में उन्होंने सभी टॉपिक्स को बहुत क्लैरिटी से कवर किया है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत रेलिवेंट है। इसमें दिए डिस्कशन से आप अपनी डेस्टिनी से लेकर अपनी इनर जर्नी तक के सफर को जान सकेंगे। पेन, सफरिंग, मेंटल स्ट्रेस, लोनलीनेस, फियर, एंग्जायटी, डिजिटल ऑब्सेशन से बाहर निकल सक्सेस, प्लेजर, हैप्पीनेस के रास्ते तक कैसे पहुंचना है, ये इस बुक में आपको सीखने को मिलेगा। बुक के ऑथर की राइटिंग न्यूरो साइंटिस्ट, मेडिकल रिसर्चर्स के साथ साथ स्पिरिचुअल टीचर्स की टीचिंग्स पर भी बेस्ड है, इसीलिए ये बुक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि आज के इस टाइम में ऐसी बुक्स की हमें सबसे ज्यादा नीड है। तो फ्रेंड्स, आप उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।